विधियां मैंने आपको बताई हैं। एक विधि की पहली वाली विलोपन विधि और दूसरी विधि मैंने आपको बताया प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि तो विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ तो कोशिश करता हूँ समझाने की। एक बार विलोपन विधि, विलोपन विधि में पहली बात तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको समीकरण दिए रहेंगे। समीकरण में दो चर पद रहेंगे। चर पद जानते हो? चर पद का मतलब है अच्छा संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ शेड नंबर 19x-17y=55 और 17x-19y=53। ये समीकरण इन दोनों समीकरणों में मैं देख रहा हूँ आप लोग कि दो चर पद एक्स वाई के रूप में ये भी रूप हो सकते हैं, एक भी रूप हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। ये दो चर पद लगे हुए हैं उन दोनों चर पदों का मान आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से तीन विधियाँ हैं। कौन कौन से? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और एक और है वज्र गुणन विधि। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि यदि आप अभी से सीख लिए तो फिर आपको कक्षा 10 की परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं। अर्थात उसका एक चैप्टर ही पूरा है। अच्छा 10 में एक चैप्टर है दो चर रैखिक समीकरणों का युग्म। तो अगर आप सीख गए बस वही समझाएंगे जिसको तो आप सीख गए। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि पहचान लीजिए, वज्रगुणन विधि अगले वाले एक्सरसाइज में बताया जाएगा, ठीक है? तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि में अंतर क्या है ये जान लीजिए। विलोपन विधि में क्या करना है कि एक चर पद का जो है गुणांक बराबर कर देना है। गुणांक बराबर करने के बाद चिन्हों के अकॉर्डिंग समीकरणों को जोड़ना घटाना है। जैसे कि ये समीकरण है इन दोनों में देख रहे हैं एक्स गुणांक क्या है 19, एक्स गुणांक 17। तो 19 17 दोनों अलग अलग हैं जी सर, और 17 19 भी अलग अलग है। तो आप इन्हीं एक किसी एक जो है चर पद का गुणांक बराबर है किसका करना है एक्स करना है वाई एक्स। यदि आप इसका गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो ये जो समीकरण एक ही समीकरण जोड़ो, ठीक है? समीकरण जो का जो गुणांक है एक्स का पूरे में बता देना है दूसरे वाले समीकरण में, और इसका जो गुणांक है उसका इसको गुणा करा देना है। ये प्रोसेस आपको करना है, समझ गए ना? विलोपन विधि क्या करना है? विलोपन विधि में आपको करना है कि एक चर पद का मान बराबर दिखाना है। इसके लिए इसके चर पद का इसको गुणा करा दीजिए अच्छा वो अच्छा नहीं गिनती का, और इसके जो गिनती का इसको करा दीजिए गुणा, या इसके बारे में करा सकते हो। अगर आप एक बराबर करना चाहते हो तो इसका जो गुणांक है इसमें गुणा करा दीजिए, इसका गुणांक है इसमें गुणा करा दीजिए। तो इसमें कोई आपको बाउंडेशन नहीं है कि आप किसमें किसका गुणा कराएं, आप जिसको बराबर करना चाहते हैं उसी के हिसाब से गुणा करा दीजिए। तो ये हो गया समीकरण एक, ये हो गया समीकरण दो। समीकरण एक में गुणांक है एक्स है, एक्स का गुणांक जो है 17 है। इसमें जो है जो 17 है पूरे में हम गुणा करा देंगे समीकरण एक में। समीकरण एक में 17 का तथा इसका गुणांक क्या 19, 19 किसको करा देंगे समीकरण दो में 19 का गुणा कराने के बाद। चलिए गुणा कराते हैं 17 9
एक सौ तिरपन की तीन पंद्रह नब्बे तिरानवे का हो जाएगा। इसके गुणांक माने किलो में गुणा करा दिया, कोई दिक्कत नो सर। अब इसके गुणांक किलो में करा दिया जाए तो 19 का इसमें कराएंगे पूरे में। देखो हमको एक चर पद काटना है, जिस पर जब तक चर पद नहीं कटेंगे ये दूसरा चर पद तो हम कैसे है ये हम प्रोसेसिंग लेना है जी सर। कोई चर पद आपको काटना है, काटने के लिए आपको गुणांक बराबर करना है। जब गुणांक बराबर हो जाएंगे तो फिर उनको हम जोड़ घटा करके काट सकते हैं। ये करना है आप लोग पर निर्भर है, बात समझ लो ना। आप चाहे इनके चर पद के गुणांक बराबर करा दीजिए, चाहे इनके करा दीजिए, उन लोग पर निर्भर। आपको क्या करना है, कोई भी एक चर पद के गुणांक बराबर दिखाना है। मान लो मैं इनको बराबर दिखाना चाहता हूँ तो इसका जो गुणांक है 17 गुणा करा देंगे, इसका गुणांक क्या है 19, इसको 19 से करा देंगे तो ये दोनों गुणांक क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे। और फिर इन दोनों को हम काटेंगे तो काटने के क्या करेंगे, जो फिर क्या है प्लस प्लस करेंगे हटा देंगे कट जाएंगे, ये वाले मान निकल जाएंगे वाले मान। ओके सर, ये प्रोसेसिंग में आपको सभी समीकरण लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण 3 हो गया। यही आएगा सर, यही आएगा जी सर। 19 का 19 कराओ तो क्या जी सर, पता है सर याद कर लो 361 हो गया। अब 19 के सूत्र आप 19 दिया 57 हासिल लगा 5 19 बचे 95 95 5 कितना है 100 कोई दिक्कत नमस्कार। यस सर, ये हो गया 4। अब इन दोनों क्या किया जाए बताओ, काटना है अलग अलग चीज करना है आपको, अलग अलग कब होंगे जब दोनों समीकरणों को जोड़ोगे कि घटाओगे, घटाएंगे तो समीकरण 3 से 4 को घटाने पर 323 एक्स माइनस 289 वाई बराबर 935 हटाने की बात कर रहे हैं तो इसके नीचे जो ये समीकरण है इसमें सब चीज बदलना है, माइनस ऊपर तो माइनस प्लस यहाँ प्लस है छिपा हुआ है, माइनस 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 प्लस यहाँ का चिन्ह है, कोई चिन्ह होने पर क्या होता है प्लस का चिन्ह, ये दोनों प्लस माइनस हो गए अलग अलग चिन्ह होने पर क्या हो, ये चिन्ह नहीं माना जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये चिन्ह अपने जो है इनकी जो कोई भी सहभागिता नहीं है, ये वाला चिन्ह माने जाएंगे प्लस माइनस के जी, दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, कट जाएंगे ये दोनों चिन्ह देखिए प्लस का ये माइनस का है थोड़े घटेंगे, घटेगा फिर अलग अलग चिन्ह होने पर घटता है, अलग अलग चीजों पर घट जाते हैं। बताइए एक से नौ घटाएंगे घटेगा, नौ ग्यारह से नौ घटाएंगे दो आ गए दो पाँच बचा यहाँ थे तो जो है ध्यान दे दीजिए कितना हो पंद्रह, पंद्रह से आठ घटाएंगे सात आ गए तो दो मजबूत कुछ नहीं है ना जी, 72 आया जी, 72 हो गया। इधर देखिए
प्लस माइनस में है जी सर, करेंगे सात पाँच है तो दस स्टिंग लगाएंगे हाँ, और यहाँ बचा एक देर ना दस बहत्तर वाले और बहत्तर बहत्तर और पचहत्तर किया जाए इनके बीच में क्या चीज है बहत्तर वाले बीच में क्या चीज है गुणेगा गुणेगा तो इधर किस रूप में आएगा भाग में भाग में तो बहत्तर बहत्तर क्या हो जाएगा कट जाएंगे आ गया एक। अब वाई का मान एक आ गया है जी फिर चाहे आप समीकरण एक में रखिए चाहे दो में रखिए एक्स मान कर लीजिए जी फिर इसी में भी आप रखोगे तो मान बराबर आएंगे फिर एक ही अलग अलग आएंगे समीकरण किस में रखें समीकरण एक में सर समीकरण एक में एक रखने समीकरण एक में वाई बराबर एक रखने गुणे का बराबर पचपन सत्रह उन्नीस एक्स बराबर पचपन जी सर सत्रह माइनस में जी सर प्लस में जुड़ेंगे सर सात पाँच बारह सात बड़ी संख्या कौन है बड़ी संख्या सर नीचे वाला बड़ी संख्या मानना है आपको हटाने के बाद माइनस का है बहत्तर जी सर माइनस बहत्तर या माइनस एक कर देगा बहत्तर के मान माइनस एक माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया और प्लस के इधर मिलने क्या आ जाएगा माइनस माइनस हटाएंगे पंद्रह से सात सात का कितना आएगा जी सर चार में से तीन अड़तीस तो नौ सर माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह लगाइए घटाने का जैसे कि देखिए छात्र एक का चौथा नंबर में ये जो दिए है दो समीकरण है ठीक है इन दोनों समीकरणों में आप देख पा रहे हैं कि x गुणांक तीन है x गुणांक पाँच है तो अलग अलग है लेकिन आगे जो y गुणांक नहीं है है क्या y सब किसे बुला है जब नहीं दिया तो किसका होता है एक को जब कोई संख्या दी है तो यहाँ एक वाई छुपा है ठीक है एक वाई एक किसका हो गया एक किसका हो गया ये बराबर है ये दोनों क्या है बराबर बराबर है बराबर होने की वजह से आप हमको गुणा नहीं करा आप समझ लो नहीं इसमें दोनों देखो बराबर रहे क्या दोनों में अलग अलग रहे दोनों में अलग अलग रहे तो इसमें जो देखो गुणा कराए हैं एक बराबर करने के लिए अब इसमें बराबर पहले दिए हैं दोनों बराबर हैं बराबर है तो फिर गुणा नहीं कराना सीधे आपको लिखना समीकरण एक समीकरण दो दोनों को काटने के लिए क्या करेंगे घटाएंगे अगर सवाल मान लो अलग अलग चीज निकलता है माइनस में होता सपोज करो अगर इस सवाल में माइनस लगा होता तो फिर आपको घटाना नहीं होता जोड़ना होता क्यों क्योंकि चीज समान न होने पाए अलग अलग चीज होने पाए अगर आप घटा देंगे तो चीज समान हो जाएगा कटेगा काटना है हमको काटने के लिए आपको चिन्ह के अकॉर्डिंग काम करना है समझ रहे ना अगर अलग अलग चिन्ह है बराबर पर है फिर आपको सीधे घटा सकते जोड़ना है और अगर समान चिन्ह है तो वो काटने के लिए आपको हटाना कोई दिक्कत तो इसमें प्लस में रहा है और तो इन दोनों को दिन डायरेक्ट के लिए आप क्या करना है हटा देना है हटाइए प्लस का उल्टा माइनस प्लस का उल्टा माइनस प्लस का उल्टा माइनस ये दोनों कट गए ये दोनों हट गए यस सर माइनस का पाँच है प्लस का तीन है घर के माइनस दो है
मैंने अभी आप बताया बीच बगल से नहीं माना जाएगा जी सर जी सर तो बोली सर के तीन लगाए ना काले पर तो बोली सर क्या पांच है पांच है माइनस बीस जी सर और इसमें देखिए दोनों तीन क्या असमान अलग अलग है जी सर असमान है सर अलग अलग है अलग होने पर क्या होंगे घटेंगे घट अलग अलग होने पर घटेंगे जुड़ेंगे सर बड़ी संख्या पे छोटी संख्या घट जाती है जी सर घटा दीजिए चार बड़ी संख्या का बड़ी संख्या क्या है जी बड़ी संख्या माइनस 9 माइनस नहीं ये चिन्ह मैंने बता रहा हूं बार-बार माइनस का क्या हो गया कट गए टेक्स्ट नंबर 4/2 तो 2 को 2 4 टेक्स्ट नंबर 2 अब एक्स का मान चाहिए इस पे पीछे समझ में नहीं बात जी सर अगर पूरी समीकरण दिए तो थे हैं और कोई भी चर पद का गुणन बराबर है तो फिर आपको सीधे इसको घटा देना गुणा नहीं कराना गुणा कब कराते हैं जब असमान होते हैं समान करने के लिए पहले इसमें समान दिए गुणा करा क्या जाएगा जी सर